देखो पहला है 650 करोड़ रुपया हमारा शुगर का गन्ने का बकाया है इन किसानों का। यहाँ की शामली में यहाँ की जो रास्ता आ रहा है ये दिल्ली देहरादून इस पर लोग बैठे यहाँ पे, इनको तो हो गए बहुत कई महीने 40 दिन इनको हो गए। बिजली का ऐसा ही मामला चल रहा, रोज विभाग इनके पीछे रहे या आगे रहे, अपना एक ही जगह जगह बैठेंगे, जो कुछ होगा वही एक ही जगह हो जाएगा, सारे अधिकारी मिलेंगे। और किसान धरना अपना जारी रहेगा यहाँ पे भी, ऐसा चला देंगे, बहुत जनता है, यहाँ का भी चलाओगे वहाँ का भी चलाओगे। ठीक है सर, मोदी और योगी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, है जी, मोदी और योगी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी क्या दिक्कत है आप लोगों को? भाई जिसके लिए ठीक कर रहे हो उसे ठीक लगता होगा, जिसे के लिए ठीक लगता होगा, किसानों के लिए तो ठीक नहीं है। किसानों के लिए 650 करोड़ रुपए एक जिले का गन्ने का पक्का आया है, ठीक है। हमने एक आगे जो अपने घोषणा पत्र में दिया है मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने, वही चीज लागू करते हैं। 14 दिन में कहा गन्ने का भुगतान देना, 14 दिन में दिलवा दो। मुख्य मांग क्या क्या है? मुख्य तो भाई सारी मुख्य है, ये किसान का दर्द है ज्यादा, जो किसान हाँ किसान की बात उनको माननी पड़ेगी, दर्द है किसान का दर्द। ये 10 साल पुराने ट्रैक्टर है, खत्म कर दिए, ये चलने का नहीं, ये आंदोलन नहीं होगा, ये सड़क पर टूटेंगे, सड़क पर ट्रैक्टर। अगर 13 महीने भी पहले आंदोलन चला किसान किसानों का, हासिल कुछ नहीं हो पाया, क्यों जिंदे हैं? हासिल तो सभी मांगे मान ली थी, जिंदे हैं, ये हासिल है, वे हमारे घर पे हमला कर रहे हैं, हम अपना बचाव कर रहे हैं। अब ये लड़ाई संघर्ष, अगर जमीन बचानी है तो संघर्ष करना पड़ेगा, ज्यादा दिक्कत है भाई। हमने हमारी बात तो कुछ कहेगा हमारे खिलाफ मुकदमा, एक भारत सरकार का मंत्री वो कुछ बात कहे तो उसके प्रवचन, उसके गाली के भी प्रवचन है और हमारे प्रवचनों की भी गाली लगे, मतलब ये हिसाब समझ में नहीं आया। भाजपा का कहना है कुछ किसान ही परेशान है। दो चीज है, उनको दो चीज है यहाँ पे है कि एक तिहाड़ जेल है, एक तो तिहाड़ जेल है। रखी थी सरकार ने।